हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे क्लास थर्ड की ईवीएस का लेसन सिक्स, फूड्स वी ईट। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में एक बच्चों का ग्रुप आपस में डिस्कशन कर रहा है कि उन्होंने क्या क्या खाया, जैसा कि हम भी कभी करते हैं। कभी कभी स्कूल में बच्चे आपस में बातें करते हैं कि भाई कल मेरे यहाँ मेरे फेवरेट छोले भटूरे बने थे, या डोसा बना था जो मैंने बहुत खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। या कई बार हम डिस्कशन करते हैं आज टिफिन में तुम क्या लाए हो, मैं तो ये लाया, मैं सैंडविच लाया हूँ, तुम क्या लाए हो। तो एक बच्चा कहेगा मैं इडली लाया हूँ, एक कहेगा मैं आलू का पराठा लाया हूँ। तो जैसे हम भी कभी आपस में डिस्कशन करते हैं, इसी तरीके से इस चैप्टर में कुछ बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। पहला बच्चा कहता है कि मैंने क्या खाया, वो अपने बारे में बताता है कि मैंने बाजरे की चपाती और गुड़ के साथ में खाई। वो बाजरा जो होता है जाड़ों में आता है बच्चों, और ये एक अलग तरीके का आटा होता है, जैसे मक्के की रोटी होती है ऐसी बाजरे की होती है। तो वो कह रहा है कि मैंने बाजरे की चपाती गुड़ के साथ खाई। दूसरा बच्चा कह रहा है कि मैंने दाल और राइस खाए। दाल राइस तो बहुत बच्चों को पसंद होते हैं और बनते भी हैं घरों में। तीसरा बच्चा कह रहा है कि मेरे घर में कल खाना नहीं बनाता। जैसे कई बार हमारे साथ भी हो जाता है कि जब हमारी मम्मी बीमार पड़ जाती है तो कई बार हमारे घर में भी खाना नहीं बनता है, तो शायद ऐसा ही कुछ उस बच्चे के साथ हुआ होगा। तो वो कह रहा है कि मेरे घर में कल खाना नहीं बना। चौथा बच्चा कह रहा है कि मैं तो गुरुद्वारा गया था और वहां पर लंगर चल रहा था, क्योंकि गुरुद्वारे में तो हमेशा लंगर चलता रहता है, और वहां लंगर में मैंने दाल और चपाती खाई। पांचवा बच्चा कह रहा है कि उसकी अम्मी ने खीर पूरी बनाई थी जो कि उसे बहुत पसंद है और उसने खाई। छठा बच्चा कह रहा है कि उसने उसके घर में फिश बनी थी, और क्योंकि उसे फिश बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए जो चीज हमें ज्यादा पसंद होती तो कई बार हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। तो वो ये कह रहा है कि कल मेरे घर में फिश बनी थी, फिश मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने कुछ ज्यादा ही खा ली। और जो सातवां बच्चा है वो कह रहा है कि मैंने कल नूडल्स खाए। नूडल्स कैसे खाए, उसकी मम्मी जहां पर काम करती हैं वहां से उनको नूडल्स मिले थे, तो वो घर नूडल्स लेकर आई, तो इसलिए उस बच्चे ने नूडल्स खाए। कई बार जैसे हमारे साथ भी होता है कि हमारे घर में कोई बर्थडे का प्रोग्राम है, बर्थडे का या कोई भी फंक्शन है, तो हमारे घर में जब भी कोई काम होता है तो जो हमारे यहाँ लोग काम करते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं, जब वो घर जाते हैं तो हम जो भी खाना बना होता है वो उनको देते हैं। तो आई थिंक ऐसा ही उसकी मम्मी के साथ हुआ होगा, वो जहाँ काम करती होंगी वहां पे कोई पार्टी होगी या उन्होंने कोई स्पेशल खाना बाहर से मंगाया होगा, तो इसलिए उन्होंने उनको भी नूडल्स दिए, तो वो नूडल्स लेकर आए, उस बच्चे ने खाए। तो अब बच्चों आप ये बताओ कि आप क्या खाते हैं। यहाँ तो ये इन बच्चों की बात हो गई, पर आप लोग क्या खाते हैं। ज्यादातर जो एक नॉर्मल खाना है जो सभी फैमिलियों द्वारा खाया जाता है वो क्या क्या है, दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है। और अगर संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो बच्चे अपनी पसंद का खाना बनवा लेते हैं। कई बार राजमा है, छोले हैं, छोले भटूरे हैं, डोसा है, इडली है, करी है, या फिर पनीर की कोई फेवरेट सब्जी है। या जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो बिरयानी, सालन, या फिर नॉनवेज के साथ में वेजिटेबल डाल के जो भी बनती है, तो वो लोग नॉनवेज खाते हैं। तो इट मींस क्या है कि हम वो खाना खाते हैं जो जनरली हमारे यहाँ बनता है, तो इस प्रकार हम ये सब खाना खाते हैं। पर क्वेश्चन ये है कि क्या सभी लोग यही खाना खाते हैं, मीन्स कि सबके घर में एक सा खाना बनता है। ये पता करने के लिए आप अपने घर के आसपास कोई आपका ऐसा फ्रेंड हो जो दूसरे स्टेट से आया हो। कई बार जैसे बच्चों के जो फादर होते हैं उनका जॉब में ट्रांसफर हो जाता है, तो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करते रहते हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो दूसरे स्टेट से आया हो, तो उससे आप पूछना कि वो क्या खाता है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में लोग डिफरेंट डिफरेंट खाना खाते हैं, और उनका खाना वहां उगने वाली फसल और क्लाइमेट पर डिपेंड होता है। यानी कि जो वो खाना खाते हैं वो उस जगह पर उगता है, और जैसा वहाँ का मौसम होता है उसके अकॉर्डिंग वो लोग खाना खाते हैं। जैसा कि पंजाब में लोग मक्के की रोटी खाते हैं, सरसों का साग बहुत फेमस है वहाँ का। गुजरात में लोग ढोकला, फाफड़ा, खांडवा ये सब खाते हैं। महाराष्ट्र में मिसल पाव, बड़ा पाव ये बहुत फेमस है। कश्मीर में रोगन जोश, क्योंकि कश्मीर में बहुत ज्यादा ठंड रहती है तो वहाँ रोगन जोश लोग लेते हैं। बिहार में लोग लिट्टी चोखा और चावल बहुत खाते हैं। कलकत्ता में फिश बहुत खाते हैं, फिश एंड राइस बहुत फेमस है। तो ये सब चीजें कुछ कॉमन चीजें हैं जो सब जगह लोग खाते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि उस जगह के हिसाब से जो चीज अवेलेबल है और जो क्लाइमेट के अनुकूल है वही लोग चीजें खाते हैं। जैसे ठंडी जगह पर लोग ऐसी चीज खाते हैं जो बॉडी को गर्म रखे, वार्म रखे, जिससे कि वो बीमार ना पड़े, और गर्म जगह पर लोग ऐसी चीज खाते हैं जैसे कि उनकी बॉडी कूल रहे। जैसे कि साउथ में, मद्रास आप चले जाएं कभी या साउथ की साइड में चले जाएं, तो वहां पर क्लाइमेट कैसा है, बहुत ज्यादा गर्म है, हॉट है, तो वहां पर लोग नारियल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए वहां पर नारियल चटनी बहुत ज्यादा फेमस है। नारियल चटनी फेमस होने के कारण यह नारियल पेट को ठंडा रखता है, तो इसलिए नारियल की चटनी वहाँ इडली के साथ, डोसे के साथ, और जो भी चीज वो बनाते हैं खाना, हर चीज के साथ में नारियल की चटनी जरूर खाते हैं, जिससे उनकी बॉडी कूल रहे।
तो मींस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, जिससे उनकी बॉडी ठीक रहे और जो चीज वहाँ इजीली अवेलेबल है ऐसी चीज लोग खाते हैं। इसके अलावा खाना खाने के लिए आपकी एज भी मैटर करती है। जैसा कि बच्चों का खाना अलग होता है, बच्चे अलग चीज पसंद करते हैं, बच्चे टॉफी, चॉकलेट, दूध, बिस्किट और बर्गर, पिज्जा और लंबे लंबे जो आलू के स्लाइस होते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेंच फ्राइज या फ्रेंच फ्राइज, ऐसी चीजें बच्चे पसंद करते हैं। लेकिन जो बड़े व्यक्ति हैं, यंग है, वो क्या खाते हैं? वो सब कुछ खा लेते हैं, उनको जो भी चीज मिल जाए वो खा लेंगे। ओल्ड पीपल है, ओल्ड पीपल भी अपनी एज के अकॉर्डिंग खाते हैं। भाई किसी के टीथ है, किसी के नहीं है, किसी के टीथ कुछ है, कुछ टूट गए, तो उसके अकॉर्डिंग जो खाना वो इजीली च्यू कर सकें, चबा सकें, उसको खाते हैं। तो खाना, सब लोगों का खाना जो है, बच्चों का, बड़ों का, ओल्ड पीपल का, सबका अलग अलग होता है। आपकी बुक में एक विपुल की फैमिली दिखाई है, जिसमें बताया हुआ एक कहानी है, या पढ़ लीजिएगा। इसमें विपुल जो है एक लड़का है, जो स्कूल से लौटते समय भुट्टा लेकर आता है। जैसे कई बार होता है हमारे स्कूल के बाहर चीजें बिक्री होती है ठेल पे, तो हम खरीद लेते हैं, तो ऐसे ही वो भी एक भुट्टा खरीद के लाता है और वो भुट्टा खाता है, अपनी दादी को और अपनी मम्मी को, मामी को, सबको ऑफर करता है। लेकिन उसकी दादी मना कर देती है कि भाई मेरे तो टीथ ही नहीं है, मैं कैसे भुट्टा खाऊं। लेकिन उसकी मम्मी कहती है चलो मैं खा लूंगी, तो उसकी मम्मी थोड़ा सा टेस्ट कर लेती है। उसके घर में एक छोटा सा बच्चा भी है जिसका नाम छुटकी है। वो मजाक में छुटकी से कहता है छुटकी तुम भी भुट्टा खा लो, लेकिन छुटकी बोलती नहीं क्योंकि वो बहुत छोटी है। तो बहुत ही छोटा बच्चा जो होता है, 2 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, वो टोटली दूध पर डिपेंड होता है। लगभग 2 साल तक बच्चे दूध पे ही डिपेंड होते हैं। दूध के अलावा वो थोड़ा बहुत कभी एक स्लाइस, कभी किसी फ्रूट की खा ली, या फिर कभी एक बिस्किट खा लिया, ऐसी चीज वो ट्राई करते रहते हैं। लेकिन टोटली जो उनकी लाइफ है वो दूध पे ही डिपेंड, उनका पेट जो है वो दूध से ही बढ़ता है। तो वो भी बहुत छोटी बच्ची है, 3-4 महीने की, तो वो सिर्फ दूध पीती है। और वो अपनी दादी से कहता है दादी आप खा लो, तो दादी कहती है नहीं भाई, मैं तो दाल में भीगी हुई रोटी, मतलब दाल में सोक्ड की हुई चपाती, जैसे चपाती को तोड़कर दाल में सोक कर देते हैं, तो वो वैसी चपाती खाती हैं। वो कहती है मेरे तो टीथ ही नहीं है भाई, मैं कैसे भुट्टा खा सकती हूँ। भुट्टा जो होता है वो तो बहुत टाइट होता है, पर उसकी मम्मी और मामी वो खा लेती हैं क्योंकि वो यंग है। तो इस प्रकार इस घर में 4 लोग हैं और 4 तरीके की उनकी एज है, एज का स्टेज है उनका, और सब लोगों का खाना अलग अलग है। विपुल जो है यंग एज का बच्चा है, तो उसको जो चीज अच्छी लगेगी वो खाएगा, वो भुट्टा भी खा सकता है या फिर उसको जो पसंद है वो चीज वो खा सकता है। छुटकी बहुत छोटी बच्ची है, वो दूध के अलावा कुछ नहीं ले सकती, ठीक, क्योंकि उसके टीथ आई नहीं है। और दादी माँ जो है, ग्रैंड मदर, वो ओल्ड है, उनके आधे टीथ है, आधे टूट चुके हैं, तो वो दाल में सोखी हुई चपाती खाएंगी। और मम्मी और मामी जो है वो यंग है, तो वो कुछ भी खा सकती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट एज पर डिफरेंट डिफरेंट खाना खाते हैं, और जो इजीली उस प्लेस पर ग्रो होता है और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होता है। तो ये सारे कुछ फैक्टर हैं जो हमारा खाने को डिसाइड करते हैं। पर इसके अलावा एक चीज और इम्पोर्टेंट है, और वो है हमारी लाइक और डिसलाइक। कई बार खाना वहाँ पे इजीली अवेलेबल है, हम खा भी सकते हैं, हमारे टीथ बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन क्या होता है वो खाना हमें पसंद नहीं होता। जैसे आपसे कहा जाए, आप बच्चे हो, आप सबके टीथ बहुत अच्छे हैं, इस समय पे नए नए टीथ आए आपके, मैं आपसे कहूँ आप लौकी की सब्जी खाओ, तो लौकी की सब्जी का नाम सुनते ही बच्चों का खाने का जो भूख लग रही होगी वो भी खत्म हो जाएगी। तो मतलब कि कई बार चीजें हम खा सकते हैं लेकिन वो हमें पसंद नहीं होती। तो इसलिए एक इम्पोर्टेंट चीज, फैक्टर और मायने करता है हमारे खाने में, वो है हमारी लाइक और डिसलाइक, कि क्या चीज हमें पसंद है और क्या चीज हमें नहीं पसंद है। और हमारी लाइक एंड डिसलाइक खाना बनाने के तरीके पर भी डिपेंड करती है। कई बार हमें वही डिश अपने घर में पसंद नहीं आती और वो डिश अपने फ्रेंड के यहाँ बनती है, या किसी शॉप पर बनती है, या किसी होटल बनती है, तो वहाँ हमें अच्छी लगती है। बहुत बार हमें घर पर बनी उस चीज में कोई टेस्ट नहीं आता, लेकिन वो जब वही चीज जब बाजार से आती है तो हमें बहुत टेस्ट आता है कि अरे वाह ये तो बहुत टेस्टी है। जैसे कि जो चैप्टर है इसमें स्टोरी, एक लड़की है, वो जूनी उसका नाम है, वो कश्मीर की रहने वाली है। उसके यहाँ पर जो फिश बनती है वो मस्टर्ड ऑयल में बनती है। मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल, जैसा कि सरसों का तेल जो है नॉर्थ साइड में भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वहाँ पे सरसों उगती है। पंजाब, दिल्ली, NCR, ये जो पूरा एरिया है नॉर्थ का, यहाँ पर भी सरसों बहुत इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि पंजाब में बहुत ज्यादा सरसों उगती है। तो उसके यहाँ भी क्या है, सरसों के तेल में फिश बनती है। लेकिन एक बार वो वैकेशंस में घूमने जाती है छुट्टियों में गोवा, और वहाँ पर वो फिश खाती है जो कि कोकोनट ऑयल में बनी है, और उसको जो अपने यहाँ फिश बनती है उसके कंपैरिजन में वो वाली फिश बहुत पसंद आती है, क्योंकि वो अपनी मम्मी से पूछती है मम्मी इसका टेस्ट हमारी वाली फिश से अलग क्यों है। तो उसकी मम्मी बताती है कि बेटा हम जो बनाते हैं वो तो मस्टर्ड ऑयल में बनती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये कोकोनट ऑयल में बनाई है, इसलिए इसका टेस्ट डिफरेंट है। तो कई बार कोई चीज हमें हमारे घर में पसंद नहीं आती क्योंकि हमारे घर में जो हमारी मम्मी बनाती है उनका तरीका दूसरा होता है, और वही चीज हमें दूसरे घर में पसंद आ जाती है क्योंकि उनका तरीका दूसरा होता है। तो कई बार खाना बनाने के तरीके पर भी डिपेंड करता है कि वो चीज हमें पसंद आएगी या नहीं आएगी। तो इस प्रकार जितना हमने डिस्कशन किया अब तक, उससे कुछ फैक्टर निकल कर आते हैं, कुछ पॉइंट निकल कर आते हैं, जिससे हमारा खाना जो है डिसाइड होता है कि हम क्या खाना खाएंगे।
वो फैक्टर क्या क्या है। सबसे पहला फैक्टर है कि क्या इजीली अवेलेबल है। अवेलेबल का मतलब जो चीज मार्केट में घर से निकलते ही घर के पास की दुकान पे मिल जाती है, ऐसे फल जो ठेलों पे मिल जाते हैं, ऐसी सब्जियां जो सब्जी वाले रोज आपके घर के सामने लेके निकलते हैं, तो वही चीज हम ज्यादा खाते हैं। मींस कि जो उस रीजन में उगता है वो फल सब्जियां और खाने के आइटम हम ज्यादा खाते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है, क्लाइमेट और वेदर के अकॉर्डिंग। हमारे जिस जगह पर हम रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं हम, वहाँ का क्लाइमेट और वेदर कैसा है उसके अकॉर्डिंग हम खाना खाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया साउथ में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ लोग नारियल का इस्तेमाल बहुत करते हैं, नारियल पानी पीते हैं, नारियल की चटनी खाते हैं, और जो भी खाना खाते हैं उसमें नारियल का इस्तेमाल जरूर से होता है। तो वेदर पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जैसे कश्मीर है, कश्मीर बहुत ठंडा इलाका है, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा काजू बादाम बहुत बिकते हैं। आप कभी अगर वैष्णो देवी गए घूमने तो आपको अक्सर वहाँ दुकानों पे बहुत बड़े बड़े काजू बादाम के बोरे मिलेंगे, और लोग वहाँ से खरीद के लाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे भी मिलते हैं, काजू बादाम अखरोट जो भी ड्राई फ्रूट्स है। क्यों? क्योंकि वो ठंडी जगह है, वहाँ पर काजू बादाम लोग खाते हैं और वहाँ बिकते भी बहुत ज्यादा और अच्छे मिलते हैं। तो इट मीन्स क्या हुआ कि क्लाइमेट और वेदर पर डिपेंड करता है हमारा खाना। नंबर तीसरा फैक्टर क्या है कि हम क्या खरीद सकते हैं, हमारी पॉकेट क्या अलाउ करती है, हमारे पास कितने पैसे हैं, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। जैसे कि बहुत सारे घरों में रोज पनीर नहीं बन सकता, तो महीने में एक बार बनता है। बहुत से घरों में 6 महीने में एक बार बनता है। बहुत से घरों में बनता ही नहीं है, जब शादी में या पार्टी में कहीं जाते हैं तो वहीं पर पनीर की सब्जी खाते हैं। इट मीन्स कि वो महंगा है तो हम नहीं खरीद सकते। बहुत से घरों में बादाम का इस्तेमाल कम किया जाता है, जिस चीजों में बादाम डालना होता है वहाँ पे मूंगफली डाली जाती है, क्योंकि बादाम और मूंगफली का न्यूट्रिशन वैल्यू जो है, यानी जो पावर आपको बादाम से मिलेगी, जो न्यूट्रिशन आपको बादाम से मिलेगा वही मूंगफली से मिलता है, तो बादाम की जगह मूंगफली इस्तेमाल की जाती है क्योंकि बादाम महंगा है और मूंगफली सस्ती है। तो कई बार ऐसे भी कुछ फैक्टर होते हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स क्या अफोर्ड कर सकते हैं, कितना खर्च कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हमारे घर में चीजें आती हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा महंगे फल हैं, जैसे सेब है, अनार है, ठीक है, कीवी है, ये सब महंगे फल हैं, ये सब नहीं खा सकते। तो हम जो सस्ते फल होते हैं उसमें भी उतना ही न्यूट्रिशन होता है, तो हम अमरूद खा सकते हैं, केला खा सकते हैं। तो हम क्या खरीद सकते हैं, क्या एफर्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हमारा खाना डिपेंड होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खाना महंगा आ रहा है या सस्ता आ रहा है। आपके पेरेंट्स बहुत समझदार होते हैं, वो उतनी ही अच्छी चीज कम दामों में भी लेकर आ सकते हैं जिससे आपको पूरा न्यूट्रिशन मिले। जैसे बादाम की जगह मूंगफली खाई जा सकती है, और अनार की जगह आप केला खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, सॉरी अमरूद खा सकते हैं। ये सस्ते फल है और इनमें भी उतना ही न्यूट्रिशन होता है जितना कि महंगे फल में होता है। न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है, यानी फ्रूट से जो न्यूट्रिशन मिलता है, वो सभी में बराबर होता है, महंगे या सस्ते के हिसाब से नहीं होता। सस्ते फलों में भी उतना ही न्यूट्रिशन होता है जितना कि महंगे फलों में होता है। लेकिन ये है कि बस हमें पसंद क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसलिए क्या हम खरीद सकते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नंबर फोर्थ रीजन है कि कस्टमर ट्रेडिशन, कि हमारे किस तरीके का रीति रिवाज है। कि जैसे देवठान एकादशी आती है तो बहुत लोगों के यहाँ गन्ना रख के पूजा करी जाती है, तो गन्ने को खाया जाता है, या फिर दशहरा आता है तो गन्ने को रख के पूजा करी जाती है, तो गन्ने खाते हैं लोग। तो आपके यहाँ किस तरीके का रीति रिवाज है? कई बार बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे होते हैं जहाँ पे पर्टिकुलर डिश बनती है और उस डिश को सब खाते हैं घर में, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नंबर फाइव फैक्टर है कि लाइक और डिसलाइक, कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, उसके ऊपर भी आपका खाना डिपेंड करता है। कई बार कोई चीज घर में बनी है, घर के सभी मेंबर्स को वो बहुत पसंद है लेकिन आपको नहीं पसंद है। जैसा कि अक्सर होता है कि बारिश के दिनों में घर के जो ओल्ड पीपल है या आपके पापा हैं, वो आपकी मम्मी से कहते हैं, अरे भाई आज तो बारिश हो रही है, आज तो पकौड़े बनने चाहिए, हलवा बनना चाहिए, लेकिन आपको पकौड़ी नहीं पसंद है तो आप नहीं खाओगे। लेकिन पकौड़ी होती तो टेस्टी है, लेकिन क्योंकि आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं खाओगे। या फिर जाड़ों में गाजर का हलवा बनता है, बच्चों को कई बार नहीं पसंद होता है, बहुत से बच्चे हलवा खा लेते हैं लेकिन उसमें काजू बादाम जो डले होते हैं वो नहीं खाते हैं। तो ये सब आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। चीजें खाने की सभी अच्छी होती है। और लास्ट फैक्टर है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, जो स्टोरी में भी दिया हुआ है, कि एक स्पेशल डिश जो है आपको वो डिश पसंद नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन आप खा लेते हो अगर वो पर्टिकुलर किसी एक शॉप या होटल से आई हुई है। जैसे कि आप पनीर की सब्जी नहीं खाते हो, बहुत से बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन उन्हें पर्टिकुलर कोई ऐसा रेस्टोरेंट है कि वहाँ की पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, तो वो जब भी कहते हैं कि अगर वहाँ जाना है तो मुझे वहाँ की पनीर की सब्जी खानी, या फिर मलाई कोफ्ता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पसंद होता है, या और भी बहुत सारी डिशेज हैं, डोसा है, छोले भटूरे है, इडली है, बहुत सारी चीजें हैं बच्चों को नहीं पसंद होती हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर किसी एक रेस्टोरेंट या होटल की उन्हें पसंद होती है क्योंकि उनके बनाने का तरीका डिफरेंट होता है। तो इसलिए इस पर भी डिपेंड करता है कि आपको चीजें वो खानी तो नहीं पसंद है, लेकिन कई बार जैसे बच्चे कहते हैं मुझे नानी के हाथ के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, वैसे तो वो बच्चा लड्डू नहीं खाता लेकिन अगर उसकी नानी या उसके दादी के हाथ के लड्डू होते हैं तो वो खाता है। कई बार हमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर होटल, रेस्टोरेंट, या कभी कभी पर्टिकुलर सिटी की चीजें पसंद होती हैं,
जैसे बच्चे मिठाई नहीं खाते लेकिन वो कहते हैं कि अगर हम मथुरा जाएंगे तो हमें मथुरा के पेड़े बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो पेड़े खा लेता है मथुरा के सिर्फ, लेकिन उसे वैसे उस बच्चे को मिठाई नहीं पसंद है। तो ऐसे ही होता है कि हमारी चीज हमें वो खाने में नहीं पसंद होती है, लेकिन वो हमें पर्टिकुलर स्पेशल शॉप की या होटल की या किसी सिटी की पसंद आ जाती है। तो ये चैप्टर था जो आज हमने किया ईवीएस का, ये चैप्टर था फूड वी ईट। इसमें हमने बताया कि जो खाना खाते हैं वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है और क्या क्या खाना हमें खाना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बच्चों जो मैं आपसे कहना चाहूंगी वो ये कि आपको जो भी खाने के लिए दिया जाता है उसे हर चीज को जरूर खाइए, क्योंकि शुरू में हमें कोई चीज नहीं अच्छी लगती है लेकिन धीरे धीरे जब हम उस खाने को खाने लगते हैं तो वो हमें अच्छी लगने लग जाती है। इस तरीके से हमारे खाने की जो रेंज है बढ़ जाती है, यानी कि बहुत सारी वैरायटी का खाना हम खा सकते हैं। इसलिए जब भी आपको कभी ऐसा मौका मिले आपके घर में कोई स्पेशल डिश बने या आप किसी पार्टी में जाएं तो जो भी वहाँ पे डिफरेंट फूड है आप उसको जरूर ट्राई करें। शुरू में हो सकता है वो खाना आपको कम अच्छा लगेगा लेकिन धीरे धीरे जब आप ट्राई करेंगे तो आपको वो बहुत अच्छा लगने लगेगा। इसलिए सब बच्चों को सब तरीके का खाना खाना चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो जरूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन हिट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।